मैं रश्मि भगत करी बास्केट में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बनाने वाले हैं एगलेस स्पॉन्ज केक। तो चलिए देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें किन-किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। मैदा लेंगे 2 कप, आधा कप पाउडर्ड शुगर लेंगे, 1 कप कंडेंस्ड मिल्क लेंगे, 75 ग्राम लिया है, वनीला एसेंस 1/4 छोटी चम्मच, आधा छोटी चम्मच बेकिंग सोडा, आधा कप लाइम जूस लेंगे। हम मैदे और बेकिंग सोडा को एक साथ मिला करके अच्छी तरह से छान लेंगे। हम मैदे को 3 से 4 बार छान लेंगे ताकि मैदे में अच्छे से एरिएशन बना रहे। एक ब्लेंडर जार में डाल देंगे कंडेंस्ड मिल्क। अब डाल देंगे पाउडर्ड शुगर। डाल देंगे बटर। वनीला एसेंस भी डाल देंगे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा लाइम जूस डालते हुए ब्लेंड कर देंगे। सडनली मेरा ब्लेंडर ख़राब हो गया, इसीलिए मैं इसे फोक से फेंट लूँगी। जितने भी मेरे वेट इंग्रेडिएंट्स थे उन्हें मैंने फेंट लिया है। अब मैं इसमें मैदा और बेकिंग सोडा का मिक्स ऐड करूंगी और धीरे धीरे मिलाते जाऊंगी। इन्हें धीरे धीरे ही मिलाना है, ज़्यादा फेंटना नहीं है। ये देखिए हमारा केक का बैटर तैयार हो चुका है। अब हम अपने केक टिन को ग्रेस करेंगे। उसके लिए हम थोड़ा सा बटर ले लेंगे और इसके चारों तरफ अच्छे तरह से लगा लेंगे। अब हम थोड़ा सा मैदा लेंगे और इसे चारों तरफ डस्ट कर लेंगे बिल्कुल इसी तरह। और बाकी जो मैदा बच जाएगा उसे हम हटा देंगे। ये देखिए केक टिन हमारा ग्रीस हो चुका है। अब हम इसमें अपना केक का बैटर डाल देंगे। अब हम इसे अच्छी तरह से टैप कर लेंगे ताकि इसमें अगर कोई हवा होगा वो बाहर निकल जाए और केक लेवल में आ जाए। हवा हम बाहर इसीलिए निकालना चाहते हैं क्योंकि इसके अंदर हम बबल नहीं चाहते।
यहाँ एल्यूमिनियम का बर्तन यूज़ किया है और इसके अंदर 1 कप करीब नमक फैलाया हुआ है और मैंने इसे 10 मिनट पहले मीडियम आंच पर गर्म करने के लिए छोड़ दिया था। केक टिन को गंज में डाल देंगे। इसे ढक देंगे और मीडियम लो हीट पर 45 मिनट के लिए पकने देंगे। 45 मिनट हो चुका है, अब केक को हम चेक करेंगे। देखिए, हमारा चाकू बिल्कुल क्लीन आ रहा है, इसका मतलब हमारा केक पक चुका है। आप घर पर ये रेसिपी ट्राई करके मुझे बताइए कि आपको ये कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और थैंक्स फॉर वॉचिंग।